दोस्तों नमस्कार, आप सब कैसे हैं? दोस्तों उम्मीद है कि आप सब अच्छे ही होंगे। दोस्तों मैं सुमन कानपुर से आप सभी का स्वागत है माँ क्रिएटिव गार्डन में। दोस्तों ये देख रहे हैं, इसको पहचानिए ये क्या है। और हालांकि मैं तो बताने जा रही हूँ कि है क्या, आप लोग भी जोर लगाइए कि क्या है ये इसको सभी लोग नहीं जानते हैं। गार्डनिंग ज़रूर करते हैं लेकिन सभी लोग नहीं जानते हैं ये देखिए पानी में रहने वाली है जलकुंभी। ये 3-4 दिन से पानी में पड़ी है और ये फ्री में मुझे मिल गई। तो वो जो है गांव साइड में जो होती है तालाबों में, ये पोखर भी बोलते हैं कहीं कहीं, ये पाउंड में तालाब में मिली हुई है ये। तो वहाँ पर ये पानी में रहती है, ये कितना भी पानी हो कभी मरती नहीं है। और दोस्तों अगर चैनल में नए आए हों तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सब्सक्राइब तो कर ही नहीं दोस्तों। और दोस्तों आप पूरा चैनल देखा करिए, क्योंकि आप लोग पूरा चैनल नहीं देखते हैं। अगर पूरा चैनल नहीं देखेंगे तो कैसे क्या पता चलेगा क्या सही क्या गलत है। और दोस्तों देखिए थोड़ी सी मिट्टी इसमें डाली मैंने, और मिट्टी डालने के बाद मैं इसको लगा दे रही हूँ ये जलकुंभी को। और बहुत तेज़ी से इतनी डेवलप होती है ये कि दोस्तों कितना भी हो जाए मतलब ये कभी मरती नहीं है। और इसमें जरा पानी में तैरती रहती है, मिट्टी में थोड़ा सा डाल दिया इसलिए है मिट्टी कि इसको थोड़ा पकड़ करके रहेगी। और ये मैं पूरे टब को पूरा भर दूंगी, भरने के बाद में फिर ये जो है ऐसी पड़ी रहेगी। और इसमें फिर बाद में मछलियाँ डाल दूँगी और भी दूसरे उससे पॉन्च निकाल करके टब से, तो इसमें भी कुछ मछलियाँ रहेंगी तो पानी में हलचल बनी रहेगी। और जो है उससे क्या है कि मच्छर पनपने का कोई डेंगू मच्छर पनपने का डर नहीं रहेगा दोस्तों। और आप लोग भी देखिए कितना प्यारा लगने लगा है ये। एक हाथ से मैं शूट कर रही हूँ और एक हाथ से जो है वीडियो भी बना रही हूँ, एक हाथ से काम भी कर रही हूँ। और दोस्तों जो भी कोई कमियाँ हों तो आप नज़रअंदाज करिएगा। और दोस्तों देख रहे हैं ये इतना ईजली टू ग्रो है रियो का प्लांट, मैं जानती नहीं थी कि मतलब इतना भी ऐसे भी ईजली टू ग्रो हो जाता है ये। इसमें एक भी जड़ नहीं था, मेरे से धोखे से गलत कट गया, तो मैंने सोचते हैं इसमें डाल के देखते हैं अगर चल जाएगा तो ठीक बात है। तो इस सच बता रही हूँ कि मैं सिर्फ 4 दिन हुए थे और इतनी तेज़ी से इसमें रूट डेवलप हुए कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इतनी तेज़ी से रूट डेवलप होंगे। क्योंकि मैं कहीं से लेकर के आई थी तो हमारे यहाँ के पौधे सारे काफ़ी कुछ मर गए थे, क्योंकि मैं कई वीडियो में आप लोगों को बता चुकी हूँ। अब इसको जब रूट डेवलप हो गई तो मैं इसको क्या कर रही हूँ कि अब मिट्टी में लगा दे रही हूँ। मिट्टी में लगाने के बाद में क्योंकि छाया में नहीं रहता है प्लांट, छाया में पता नहीं कैसा सौगी सौगी सा हो जाता है। क्योंकि कुछ प्लांट मैंने छाया में रखे हुए थे जिन्हें लगा दिए थे तो उसमें चले नहीं वो। और ये दोस्तों देख रहे हैं इसको टैप करते जाइए, जैसे कोई भी ये गमला है पॉट है कोई भी लीजिए, इसे टैप करते जाइए तो इसमें क्या है कि एयर नहीं रह पाती है और इसमें अच्छे से भर जाता है। ऐसे करके इसको टैप कर दीजिए और इसमें भर दीजिए, इसमें तो एयर पॉट नहीं रहती तो ये जो है प्लांट मरने का डर ख़त्म हो जाता है दोस्तों। और जो है आप लोग लगातार ऐसे बने रहिए, देखते रहिए। और दोस्तों देख रहे हैं इसको रिपोर्ट में कर रही हूँ, और इसके बाद में मैं सारी जितने भी रिपोर्ट कर रही हूँ फिर इसके बाद मैं टेरिस में ले जाऊँगी। और फ्री में ये ऐड कर रही हूँ दोस्तों, ये भी फ्री में मिली हुई जलकुंभी मेरे को। और ये जो है स्पाइडर प्लांट मैं नर्सरी से लेकर आई थी, तो एक स्पाइडर प्लांट लेकर आई थी। देखिए मैं इसमें पानी भी डाल रही हूँ, पानी इसको भर दूँगी अभी तो खैर थोड़ा डाल दे रही हूँ, फिर इसके बाद मैं टेरिस पर जाऊँगी छत पर, उस वहाँ पर मैं पानी इसमें भरूँगी। और ये दोस्तों ये देखिए स्पाइडर प्लांट जो हैं, मैं एक पौधा लेकर आई थी, एक पौधे से मैंने 3 पौधे डिवाइड करके इसको बनाए हैं। देखिए ये जो है तो कितना प्यारा लग रहा है। एक तो ऐसी है कोई घास जैसी, तो पीला फूल लगा जंगली थी, तो मैंने कहा सोचते हैं 20 रुपये मिल रही लाइए ले लेते हैं। और उसका फूल मुझे बहुत अच्छा लगा तो उसको ले लिए हैं दोस्तों। ये देखिए ये जो है ये 20 रुपए की मिली, मुझे जंगली घास जैसी लग रही लेकिन इसका फूल मेरे को बहुत अच्छा लगा। ये देखिए कितना सुंदर फूल है। और ये जो है हर्ष श्रृंगार का है,
और कुछ रियो प्लांट जो थे नीचे लगे हुए थे सौगी जैसे हो गए। एक प्लांट से मैंने 3 प्लांट तैयार किए हैं इस स्पाइडर प्लांट को, और इसमें पानी में भर दूंगी। दोस्तों चैनल में रहने के लिए, बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। कोई समय वीडियो शूट करूं डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक आ जाए। और कहीं पर भी रहें, अपने घरों के आसपास हरियाली बना करके रखें, नेचर से जुड़ करके रखें, रहें, बच्चों को भी जोड़ करके रखें, खुद अगल बगल में लोगों को प्रेरित करें जोड़ने के लिए कि इससे जो है नेचर से जुड़ करके रहिए। पृथ्वी को, हम सभी लोगों का सहयोग से पृथ्वी का बच सकती है। ये जो दुनिया का क्लाइमेट ये सब चेंज होते रहते हैं, जो हमारे घर में आसपास पेड़ पौधे लगे होंगे तभी हमारे घर में क्लाइमेट, चारों तरफ का क्लाइमेट अच्छा होगा। और उसमें जो है आप लोग जो है अपने अपने घरों में इर्द गिर्द, नहीं कुछ हो तो 2-4 पेड़ पार्क में लेकर के लगा दीजिए। घर में नहीं अगर जगह है तो पार्क में लेकर के लगा दीजिए, तो वहाँ भी अच्छा रहता है। और मेरे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।